chapter 6 exercise 6.2 sum number 4th. In the figure if PQ parallel ST, this is PQ, this is ST, both are parallel, angle PQR, this is angle PQR, 110 degree and RST, this angle R ST, this is equal to 130, it is given. We have to find क्यू आर एस क्यू आर एस दिस एंगल हमने ये एंगल फाइंड करने नाउ कम टू सोल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ड्रा फिगर आफ्टर देन राइट गिवन आफ्टर देन टू प्रूफ टू प्रूफ नाउ प्रूफ एक्सटेंड पी क्यू एक्सटेंड पी क्यू पेरलर टू वाई हमने पी क्यू को एक्सटेंड किया जो कि पैरल टू अप टू वाई तक जो कि क्योंकि पी क्यू आपको पैरल एस टी दिया हुआ है पी क्यू पैरल एस टी दिया हुआ है और इस पी क्यू के पैरल इसको एक्सटेंड तो वाई तक कर दिया किंतु इसके पैरल आर के थ्रू हमने एक लाइन एल एम ड्रा कर ली पी क्यू को एम बाई तक प्रोड्यूस कर दिया और इसके पैरल एल एम ड्रॉ कर दी क्योंकि एस टी पैरल पी क्यू दिया हुआ है या पी क्यू बोल दो या पी वाई एक ही मतलब है तीनों लाइनें अब आपस में पैरल होगी क्योंकि एस टी पैरल पी क्यू और पी क्यू पैरल एल एम तो अब हमारे पास टी एस एक्स एंगल टी एस एक्स इक्वल क्यू एक्स एक्स क्यू एस एक्स क्यू एक्स एस ये वाला ये यानी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये वाला और ये वाला ये आपके पास वन थर्टी आ गया ये आपके पास वन थर्टी आ गया उसके बाद क्यू एक्स एस क्यू एक्स एस वन थर्टी अब क्यू एक्स एस और क्यू एक्स आर आर एक्स क्यू या क्यू एक्स आर दोनों वन एट्टी है लीनियर पेयर बनाते हैं इससे आपके पास जो ये वाला एक्स है यानी फिफ्टी डिग्री आ गया क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट है ये वन थर्टी है तो ये भी आपका वन थर्टी हुआ और ये वाला और ये वाला वन एट्टी है है, तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया अब ध्यान से देखो आपके पास 50 डिग्री है उसके बाद पी क्यू आर पी क्यू आर और क्यू आर एम पी क्यू आर और क्यू आर एम दोनों अल्टरनेट है ये 110 है तो ये भी आपका 110 है 110 है ठीक है पूरा और ये हमने फिफ्टी प्रूव कर दिया ये और ये क्या है अल्टरनेट ये और ये अल्टरनेट यानी ये फिफ्टी है तो ये भी आपका फिफ्टी हुआ टोटल ये वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड टेन में से ये वाला फिफ्टी ये वाला जहां पर एरो है ये वाला फिफ्टी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्यू आर एक्स यानी ये वाला सिक्सटी डिग्री आ जाएगा अंडरस्टैंड इट इफ यू नॉट अंडरस्टैंड इट देन

और पी आर डी आपको 127 दिया है हमने एक x बताना है एक y बताना है बहुत आसानी से बता सकते हैं देखो ये पूरा एंगल ए पी आर एपीआर देखो ए पी क्यू ए पी क्यू फिफ्टी डिग्री है और पी क्यू सी पी क्यू सी दोनों को इंटीरियर एंगल एक ही तरफ है तो ये फिफ्टी है दोनों का सम वन एटी हो गया इससे आपके पास पी क्यू सी आपके पास वन थर्टी डिग्री आ गया आई रिपीटेड देखो दिस एंगल और दिस एंगल को इंटीरियर ए बी पैरल सी डी दिया है ये पचास है तो इसका मतलब ये वन थर्टी होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल वन होते हैं ठीक है जी आपके पास ये एंगल एक सौ तीस आ गया उसके बाद अगेन पी क्यू सी और पी क्यू आर कोइंट सॉरी लीनियर पेयर है ये 130 आ गया तो इसका नंबर एक्स आपके पास यानी पी क्यू सी जो आपका 130 है तो एक्स आपके पास 50 डिग्री आ गया एक्स आपके पास 50 डिग्री आ गया उसके बाद एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई वन ट्वेंटी सेवन के है, क्योंकि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है पी आर डी आपके एक्सटीरियर है एक्सटीरियर एंगल है सॉरी अगेन पी क्यू आर एक ट्राइंगल है इन विच पी आर डी एक्सटीरियर एंगल है यू नो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट यानी वन ट्वेंटी सेवन इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स अपना पचास आ चुका है तो y की वैल्यू निकालनी है एक में से 50 सब्टैक्ट करोगे जो कि 77 आ जाएंगे इस प्रकार x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77 बहुत से मेथड हो सकते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हो जो मैंने पीपीटी बनाई उससे हम सेपरेट भी आ सकते हैं जैसे ये 50 है ये x भी 50 होगा को इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर आगे उसके बाद अगर आप पी को ट्रांसवर्सल मानोगे ए पी आर और पी आर डी यहां भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आगे तो ये टोटल एंगल 127 है क्योंकि ये 127 है अगेन 127 में से 50 घटाओगे तो यहाँ इस टाइप से भी आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी अब किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो नाउ स्टूडेंट्स लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2 इन दिस फिगर पी क्यू पी क्यू एन आर एस टू मीरियर आर एस टू मीरियर प्लेस्ड पैरलर टू दोनों एक दूसरे के पैरल है मीरियर पी क्यू पर बी पर टकराती है और इंसिडेंट ए अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है तब ये आर एस के सी पर टकराती है उससे ये सी डी आपको रिफ्लेक्ट होकर अगेन अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी प्रूव दैट दिस ए बी पैरलर टू सी डी हमने ये प्रूव करना है तो गिवन आप लिख सकते हो यू कैन राइट गिवन कंस्ट्रक्ट फिगर और टू प्रूव नाउ हेयर कंस्ट्रक्शन ई बी या बीई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए एंगल वन इक्वल टू ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा करे हैं वन इक्वल टू देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो रिफ्लेक्शन का लॉ है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये इसके लिए इंसिडेंट रे होगी ये रिफ्लेक्शन रे होगी इस इस मेरियर के लिए तो ये आपका नॉर्मल होगा यानी परपेंडिकुलर होगा तो वन और टू दोनों एंगल इक्वल होंगे सिमिलरली थर्ड और फोर्थ भी इक्वल होंगे और उसके बाद टू और थ्री अल्टरनेट है क्योंकि जब परपेंडिकुलरस एक पैरल लाइन्स पर ड्रा करते हैं वो दोनों लाइनें भी पैरल होती हैं परपेंडिकुलर जब हम पैरल लाइन्स पर ड्रा करते हैं तो यानी बीई और सी एफ पैरेलल पैरल इससे आपके पास टू और थ्री आ जाते हैं यानी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं टू और थ्री और इससे आपके पास टू और थ्री अल्टरनेट हैं आप कह सकते हो क्योंकि थ्री इक्वल फोर है वन इक्वल टू है तो इस प्रकार से फोर और वन भी इक्वल होंगे अत फोर और वन भी इक्वल होंगे तो अथवा इस, तो इसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया टू दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू एंगल वन टू एंगल फोर टू एंगल वन को लिख सकते हो टू टाइम्स एंगल वन यानी वन प्लस वन और टू टाइम्स एंगल फोर को एंगल फोर प्लस एंगल फोर वन के एक वन के स्थान पे आप एक एंगल वन है एक एंगल वन के स्थान पे टू लिख सकते हो क्योंकि अपने प्रूफ कर चुके हैं वन इक्वल टू और एंगल फोर एक फोर के स्थान पे थ्री लिख सकते हैं क्योंकि अपने यहाँ पे प्रूफ किया है फोर एंगल थ्री वन प्लस टू यानी एंगल बी सी डी थ्री प्लस फोर यानी एंगल एवीसी दोनों इक्वल गए ध्यान से देखोगे एवीसी और बी सी डी दोनों अल्टरनेट एंगल है सो वी कैन से दैट ए बी पैरल सी डी हम कह सकते हैं ए बी और सी डी दोनों एंगल अल्टरनेट हैं इसलिए पेरल है नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 इन दिस फिगर इन दिस फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू क्यू पी एंड आर क्यू दिस इज क्यू पी एंड आर क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस QP को एस तक बढ़ाया और आर क्यू को टी तक तो एंगल SPR, एस पी आर ये वाला 135 थर्टी फाइव है और पी क्यू टी वन हंड्रेड टेन है यहां से यहां तक आपका गिवन हो गया उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखोगे टू फाइंड एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू हमने फाइंड करना है ठीक है स्टूडेंट्स एंगल पी क्यू आर हमने फाइंड करना है तो आपके पास इन दिस फिगर देखो एसपीआर एसपीआर वन थर्टी फाइव दिया हुआ है पी क्यू टू वन हंड्रेड टेन दिया हुआ है आपके पास पी क्यू टी पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर ये वाले एंगल जो ये एंगल है दोनों पी क्यू टी और पी क्यू आर दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं इसका दोनों का सम वन एट्टी है पी क्यू टी वन हंड्रेड टेन दिया हुआ है तो हम पी क्यू आर फाइंड करेंगे पी क्यू आर फाइंड करने के लिए वन एट्टी में से ये वन हंड्रेड टेन राइट साइड ले जाएंगे तो आपके पास सेवनटी डिग्री आ गया इससे आपके पास पी क्यू आर आपके पास सेवनटी आ गया अब ना R एस पी आर और क्यू पी आर ये वाले दोनों ये और ये दोनों आपके पास लीनियर पेर हैं दोनों का सम 180 है तो 180 में से 135 थर्टी फाइव कटाओगे ये अंदर वाला जो एंगल पी है आपके पास 45 फाइव डिग्री है यानी ये 70 होगा ये 45 फाइव होगा इजी है तीनों एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रैंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है इन तीनों का 180 करके इसमें से जो है ये वाला अंदर वाला पी क्यू आर है ये आपका 70 फाइंड किया था क्यू पी आर अंदर वाला हमने 45 फाइंड किया था दोनों ये सबेक्ट कर दोगे वन फोर्टी फाइव और सेवन टी एक सौ पंद्रह होते हैं तो आपके पास पी आर क्यू वन एट्टी में से ये वाले एक सौ पंद्रह घटा दोगे यानी सिक्सटी फाइव डिग्री हो गया इस प्रकार हमने पी क्यू आर सिक्सटी फाइव डिग्री फाइंड कर लिया ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट वन ऑफ एक्सरसाइज Six point three.